चीन के ग्वांगडोंग ग्वांगडांग क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक रियल स्टेट कंपनी के बॉस ने अपने टीनेजर कर्मचारी को देर से आने पर ऐसी सजा दी कि उसकी मौत हो गई। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक 15 साल की जियोफी जायोफी झांगशन स्थिति सनी गार्डन नामक रियल स्टेट एजेंसी में पिछले कुछ समय से काम कर रही थी, लेकिन वो पारिवारिक हालत की वजह से अक्सर ऑफिस देर से पहुंचती थी। इस कारण उसका बॉस हमेशा प्रताड़ित करता था। पिछले महीने भी एक दिन वो देर से ऑफिस पहुंची तो उसके बॉस ने उससे करीब 100 बार दंड बैठक स्क्वाट्स करा दिया। इस सजा के कारण उसकी हालत काफी बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। करीब 10 दिन तक अस्पताल में उसका इलाज चला, लेकिन बीते 7 अगस्त को उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद लड़की के पिता मिस्टर जियांग का कहना था कि कंपनी वाले अक्सर मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण जियो की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इतना ही नहीं, उसके पैर भी सही से मूव नहीं हो रहे थे। आखिरकार उसकी मौत हो ही गई। इधर कंपनी के मैनेजर ली ने इस आरोप को सिरे से खंडन कर दिया है। ली के मुताबिक किसी भी हालत में लड़की की मौत का जिम्मेदार कंपनी नहीं है। हालांकि डॉक्टर भी इस मामले को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि लड़की की मौत आखिर कैसे हुई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।